परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने ये जो ग्रंथों की रचना की है, समस्त ग्रंथ मानव जाति के उद्धार के लिए आत्मा का मंगल और कल्याण करने के लिए देव अधिदेव की कृपा से ये अवतरित वाणी, ये ज्ञान गूढ़ है, इसका बहुत विस्तार है, परंतु गुरु महाराज ने हम सब पर अनुकंपा की, कृपा की, सारे ज्ञान का निचोड़ हम सब तक अपनी लेखनी द्वारा अपने सद ग्रंथों में वर्णन कर दिया, अन्यथा इस ज्ञान का इतना विस्तार है एक जन्म बहुत कम होगा पूर्ण रूप से केवल उसको पढ़ना भी, फिर शब्दार्थ, फिर भावार्थ और उसके भीतर छुपा गहरा भेद उसको जानना और भी कठिन हो जाता, परंतु गुरु महाराज ने कृपा की, बड़े सरल शब्दों में महाराज ने हमें मार्ग बता दिया। दो मार्ग है, हे मानव, तूने स्वयं इसका चयन करना होगा अपने लिए। दोनों में लाभ हानि क्या है ये गुरु महाराज ने वर्णन कर दिया। एक श्रेय मार्ग है और दूसरा प्रेम मार्ग है, जो प्रिय लगता है, जिसमें मानव मुग्ध हो जाता है, वही प्रिय लगता है। अब गुरु महाराज ने तो दो मार्ग में जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है आत्मा का कल्याण, मोक्ष की प्राप्ति, उसमें क्या क्या निहित होगा मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जाप, इसको हम बड़ी सुगमता से समझते हैं कि राम नाम का जाप करना, परंतु केवल जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? परंतु गुरुदेव ने तो साथ में जहां ये औषध बता दी वहां परहेज भी बताए हैं। डॉक्टर दवाई देता है, दवाई निस्संदेह उसकी अजमाई हुई है, परंतु दवा का सेवन भी करे और बद बरहेजी भी करे, वह वैद्य, वह डॉक्टर क्या करेगा अगर पूर्ण लाभ नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु और जन्म, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, ये औषध है राम नाम की। जाप को तो गुरु महाराज ने बहुत सुगमता से अपने सर्व ग्रंथों में नाम जाप की महिमा का वर्णन कर दिया। ये साधक एक नहीं सभी ये समझ में आ जाता है।
भक्ति भाव भी समझ आ जाता है बहुत सुगमता से कि मेरे अंदर भक्ति भाव क्या है, कैसा भी समय क्यों ना हो, अनुकूल और प्रतिकूल, भगवान के नाम का भरोसा साधक कदापि इससे विचलित नहीं होता, सदैव बना रहता है उसका, उसके अंदर भक्ति भाव परमेश्वर है। और जब विपरीत समय होता है, यह मेरा प्रारब्ध कर्म। अब इसके साथ गुरु महाराज ने जो ध्यान, लीनता की लय अवस्था, नाम जाप के साथ आराधन और ध्यान, बड़ा महत्व है इसका। लीनता की लय अवस्था में प्रवेश करके नाम जाप में निमग्न हो जाना, यहां तक तो साधक बड़ी सुगमता से समझ जाता है, परंतु जो हल्के में ले रहा है वह है संयम। मोक्ष और आत्म कल्याण की इच्छा वाले, जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, उस मार्ग पर चलने वाले साधक को नित निरंतर लगन से विश्वास के साथ जाप करना होगा। समझ आ गया। आराधन करना होगा, उसके गुणों को गाना होगा, अमृतवाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार, मंगल और कल्याण मोक्ष। फिर भक्ति भाव, ये तो समझ आ गया। अब संयम, इसके लिए गुरु महाराज के कथन को साधक को खंगालना होगा। एक एक शब्द का अर्थ और उसकी गहराई तक पहुंचने के पश्चात ही मानव पूर्ण काम हो सकता है, मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। जिस संयम को मानव हल्के में ले लेता है कि मुझे संयमित जीवन व्यतीत करना होगा, केवल इतने में अगर संयम आ जाता तो भगवान को भी श्रीमद् भगवत गीता में बहुत विस्तार से कहने की आवश्यकता ना होती अर्जुन को। दूसरा अध्याय 60वां श्लोक, संयम कितना आवश्यक होगा, उसकी विधि क्या होगी संयमित जीवन के लिए। अध्यात्मवाद के बिना भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको उपदेश दे रहे हैं, जो उपनिषदों में संयम का वर्णन हम सबको इसको ऊपर विचार करने के लिए गुरु महाराज ने कहा। अध्यात्म ज्ञान के बिना, अध्यात्म ज्ञान, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा का ये इसके दर्शन कैसे होते हैं, ये ज्ञान हो जाना, ये अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान के बिना कोरा अभ्यास संयम में सफल नहीं बना सकता है। भगवान ने सचेत कर दिया, कोई मानव केवल हां मैं संयमित जीवन व्यतीत करूंगा, परंतु अगर उसको ये उसने अपने ज्ञान में वर्धन नहीं किया, अध्यात्मवाद का, आत्मा और परमात्मा,
इसको विस्तार से नहीं जाना। उसका संयम टूटने वाला होगा। अध्यात्म ज्ञान के बिना कोरा अभ्यास, संयम का कोरा अभ्यास, यह सफल नहीं हो सकता है। इस कारण संयम करने वाले को चाहिए कि उन सब इंद्रियों को, एक दो चार नहीं, उन सब इंद्रियों को वश में करके योग युक्त, कौन योग युक्त, जो इस योग को, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, अभ्यासी जन। भगवान ने कहा मुझ में प्राण होकर, मुझ में प्राण होकर रहे, संयम चाहता है, संयमती जीवन चाहता है, मुझ में प्रीति और श्रद्धा रखे। दो मार्ग है ना, जो प्रेयस मार्ग पर चलता है, अगर वह चाहे कि मैं संयम को अपना लूं, नहीं अपना पाएगा। निश्चय से जिस श्रद्धालु की इंद्रियां वश में है, उसकी बुद्धि स्थिर है, परम पुरुष की प्रीति के पथ पर आरूढ़ मनुष्य का पतन कदापि नहीं होने पाता। दो मार्ग में सर्वश्रेष्ठ मार्ग जो अध्यात्मवाद को अपनाए हुए हैं, वही संयम को अपना पाएंगे। मनोमुखी संयमित जीवन उसका कदापि नहीं हो पाएगा।